बोकारो स्टील सिटी में। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आप सभी लोगों से मिलने के लिए। बुला लीजिए और साथ में महफिल सजाएंगे। सी यू देयर ऑन 24th of January बोकारो। लगता है कि 10,000 से ज्यादा लोगों के आने की उम्मीद, 10,000 कम से कम आना चाहिए। सिंह साहब, आप लोग की टीम यहाँ पर आई हुई है, कल इवेंट है, क्या इवेंट है और कैसे इसको कर रहे हैं आयोजित, आप लोग थोड़ा बताएं। सेल की स्वर्ण जयंती हम लोग मना रहे हैं और 24 तारीख को सेल का फाउंडेशन डे है। इसमें हम लोगों ने निर्णय लिया है कि एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाए, जिसमें मैथिली ठाकुर जी के साथ साथ और जो कलाकार हैं जो यहाँ पर अपना प्रस्तुति देंगे, साथ ही साथ पहली बार वर्ल्ड लेवल का एक लेजर शो किया जा रहा है जो बोकारो में पहली बार हो रहा है। हमको लगता है कि ये अपने आप में एक अनोखा है और लेजर शो और जो संगीत का कार्यक्रम है और जो हंसी मजाक का जो कार्यक्रम है, सभी मिला करके एक ऐसा कार्यक्रम होने वाला है जो एक शहर में एक अपने आप में अनुकरणीय होगा। हम लोग चाहते हैं कि शहरवासी आकर के इसका आनंद लें और हमारे जो BSF के कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, सभी को व्यवस्था है यहाँ पर बैठने की, उनके परिवार को बैठने की व्यवस्था है, मीडिया के बैठने की व्यवस्था है, पत्रकार बंधु के साथ साथ यूनियन के लोगों की बैठने की व्यवस्था है, हमारे जो डिग्निटरीज है BSF के अलावा जो स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसियर है सबको हम लोग बैठने की अच्छी व्यवस्था किए हुए हैं और हमको लगता है कि सभी के आने का हम लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और कल जो शाम होगा ये अपने आप में एक अनोखा शाम होगा, एक अनोखी संध्या होगी जिसमें सारे लोग एक मस्ती में रहेंगे और एक हमारा कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। हम लोग कुछ फूड स्टॉल की भी व्यवस्था किए हैं, जो भी आगंतुक होंगे उनको चाय पानी की भी व्यवस्था है, जो पेमेंट बेसिस पर करेंगे वो अपना इसका एंजॉय करेंगे। सभी शहरवासियों को भीड़ को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने जितना सफिशियंट व्यवस्था कर रहा था वो सारी व्यवस्था को हम लोगों ने। कुल कितने लोग आएंगे यहाँ पर, क्या अनुमान है? हमको लगता है कि 10,000 से ज़्यादा लोगों के आने की उम्मीद, 10,000 कम से कम आना चाहिए। इसमें हम लोगों ने क्या कर रखा है कि ये जो आपके सामने खड़ी है ग्राउंड डाउन टीम है, जो हमें यहाँ सारा व्यवस्था करनी है और हमने जो अपने एडमिनिस्ट्रेशन से मिला हुआ है, हम इंतजाम करें तो सिंह साहब बताई है यहाँ पे सारा सेफ्टी का, हेल्थ का, एम्बुलेंस खड़ी रहेगी, सब आपात स्थिति के निपटने के लिए हम लोग सब तैयार हो रहे हैं। पूरे नगर वासियों को हम लोग की तरफ से इन्विटेशन है, सेफली आएँ और उसका एंजॉय करें और सेफली निकलें, यही सबसे रिक्वेस्ट। दूसरा चीज़ एक मेरा कहना है, भीड़ ज़्यादा आने की संभावना है, इसलिए सभी शहरवासियों से अनुरोध करेंगे कि जो भी मेरे वॉलेंटियर होंगे, जो भी सिक्योरिटी के लोग होंगे, जो भी CSF के लोग हैं, सबके साथ सहयोग करें, किसी से जिद नहीं करेंगे। हमारी सारी व्यवस्था है, अंदर में पार्किंग की है, बाहर में पार्किंग की व्यवस्था है, एक डिसिप्लिन तरीके से आए, सभी को कोई कष्ट नहीं होने देंगे, केवल बस एक ही है कि सबको डिसिप्लिन तरीके से आकर के इस कार्यक्रम में भाग लेना है। कितना सफल हुआ प्रोग्राम और कैसे आप लोग? 100% मोर देन 100% नमस्कार, मैं हूँ मैथिली ठाकुर। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड 24 जनवरी को अपनी स्थापना की स्वर्ण जयंती मनाने जा रहा है। इस उपलक्ष्य पर बोकारो स्टील प्लांट भी एक भव्य आयोजन करने जा रहा है, जिसमें मैं भी आ रही हूँ 50वीं वर्षगांठ मनाने के लिए। आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप सभी लोग इस कार्यक्रम को बहुत ज्यादा सफल बनाएं, अपने पूरे परिवार के साथ आएं, सभी संगीत प्रेमियों के साथ आएं और मित्रों के साथ आएं, मतलब सभी के साथ आएं। और तारीख है 24 जनवरी शाम 5 बजे, लाइब्रेरी ग्राउंड, Sector 5, बोकारो स्टील सिटी में। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आप सभी लोगों से मिलने के लिए। धन्यवाद। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है रजत सूद और मैं हूँ इंडियाज लाफ्टर चैंपियन का विजेता और मुझे ये खबर मिली कि बोकारो में लोग जो है वो बहुत ज्यादा प्यार मोहब्बत से जुड़े हुए हैं, तो इसलिए आप आओ और प्यार मोहब्बत की बातें कीजिए। तो मैं आ रहा हूँ बोकारो स्टील प्लांट में उनकी 50th एनिवर्सरी में साथ में सेलिब्रेट करने। तो जितने भी आपके दोस्त यार हैं जो कि हंसने का शौक रखते हैं,
मुस्कुराने का शौक रखते हैं, तो उनको बुला लीजिए और साथ में महफिल सजाएंगे। सी यू देयर ऑन 24th ऑफ जनवरी बोकारो। The world seems small.